आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो बुलेट प्रूफ जॉकेट होती है उस पर गोली पड़ने पर बुलेट प्रूफ जॉकेट कैसे गोली को रोक लेती है। तो इसकी आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। बुलेट प्रूफ जॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले फाइबर या फिलेमेंट का उत्पादन करना पड़ता है, जो कि बहुत ही हल्का और बहुत ही मजबूत होता है। बुलेट प्रूफ जॉकेट बनाने में एक बहुत ही प्रसिद्ध पदार्थ केवलर का यूज़ किया जाता है, जो एक पैरोमेट सिंथेटिक फाइबर होता है। इसके अलावा एक और पदार्थ का यूज़ किया जाता है, डायनामा फाइबर। यह एक पॉलीथिन बेस फाइबर होता है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बुलेट प्रूफ जॉकेट की जो ऊपरी परत होती है वो सिरेमिक की होती है, और जो दूसरी निचली परत होती है वो बैलिस्टिक की होती है। कि जब कोई बंदा बुलेट प्रूफ जॉकेट पे गोली चलाता है तो जो पहली परत होती है सिरेमिक की, वो गोली को तोड़ देती है टुकड़ों में, गोली टुकड़ों में हो जाती है। और जो दूसरी परत होती है बैलिस्टिक की, जो गोली का फोर्स होता है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि जो बुलेट प्रूफ जॉकेट पहने हैं उसे किसी भी तरह की चोट नहीं लगेगी, तो थोड़ी बहुत उसे अंदर जो गोली का फोर्स होता है वो लगता आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारी डिफेंस जानकारी चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।